गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन माई न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्पेशली फॉर किड्स, क्योंकि आजकल हम अपने बच्चों को मोबाइल से, सिस्टम से, टीवी से, अगर किसी के घर में लैपटॉप है तो लैपटॉप से लाख कोशिश कर लें फिर भी हम दूर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नॉट फॉर दी गेम्स, इंटरटेनमेंट, पढ़ाई और बहुत सारी चीज़ें जो हैं नॉलेज से रिलेटेड हमें कहाँ मिलती हैं, इन्हीं सब डिजिटल डिवाइसेस पे, गूगल के हेल्प से। सो बेसिकली आजकल ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो हमारे इस जो मॉडर्न लाइफ है उसका एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो क्योंकि हम अपने बच्चों को बिल्कुल ज़ीरो पे तो नहीं ला सकते हैं, बट कुछ प्रिकॉशंस है जो हम ले सकते हैं जिससे हमारे बच्चों की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे, उनकी आइज हेल्दी रहे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने बच्चों को आप नोटिस कीजिए कि जब भी वो कुछ भी पढ़ रहे हैं घर में तो उनका जो बैठने का पोस्चर है, इज इट ओके, उनका जो बैठने का पोस्चर है वो कहीं ऐसे ही नॉर्मली बेड पे बैठ के या ज़मीन पे बैठ के किसी भी एंगल से पढ़ तो नहीं रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बेस्ट पोस्चर होता है वो होता है टेबल एंड चेयर के हल पे। आपका स्टडी टेबल होना चाहिए, बच्चा उसमें स्ट्रेट बैठ के पढ़ता है, उसकी आइज़ पे कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, बच्चों को कभी भी लेट के आप मोबाइल मत चलाने दीजिए, ना ही कोई बुक्स रीड करने दीजिए, ना ही टीवी देखने दीजिए, उससे भी हमारी आइज़ में एक सिलेंड्रिकल एरर जनरेट होता है। बच्चा जब भी पढ़ रहा है उनका डिस्टेंस मेंटेन रखना है, बहुत ज़्यादा बुक्स के या कॉपीज़ के क्लोज जाकर नहीं पढ़ना है। और एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हम अपने बच्चों की मसल्स को, स्ट्रेंथ को बनाने के लिए करा सकते हैं, दैट इज़ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू परफॉर्म दैट। जिन भी पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चों की मसल्स वीक हैं, उनको ये एक्सरसाइज अपने बच्चों को बिल्कुल करानी चाहिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। आपको बस छोटी सी एक्सरसाइज करानी है और बच्चे के पढ़ने के पोस्चर पे ऊपर ध्यान देना है कि बच्चा हमारा सिर्फ और सिर्फ बैठ के पढ़ रहा है और बुक्स को एक नॉर्मल डिस्टेंस जिसको कहते हैं उस पर रख के पढ़ रहा है। अब वो डिस्टेंस कितनी होती है, 25-30 सेंटीमीटर तक रखना है, ज़्यादा क्लोज नहीं लाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बुक्स को क्लोज लाएंगे आपकी आइज़ उतना ज़्यादा कन्वर्ज करेंगी, कन्वर्ज इन द सेंस कि आपके आइज़ बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगी उस नियर ऑब्जेक्ट के, जहाँ आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगी। तो हमें ये नहीं करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो उस एक्सरसाइज को कैसे करना है। कब करना क्या है, एक्सरसाइज परफॉर्म करते टाइम हमें एक पेन लेना है अपने हाथ में, उस पेन की टिप को आपको सामने बिठा के दिखाना है, और कैसे दिखाना है वो मैं आपको शो कर रही हूँ। ये पेन है, इसकी टिप के पास में आप इस तरीके से फिंगर को रखेंगे और अपनी नोज़ के पास से सामने वाले की नोज़ तक धीरे धीरे लेके जाना है। एक पॉइंट पे आके ऐसा होगा कि सामने वाले को ये चीज़ ब्लर या डबल दिखाई देगी, आपको वहीं पे उसको स्टॉप करना है और उसी पॉइंट को हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, और ये चीज़ हमें बहुत स्लोली करनी है, कुछ इस तरीके से। तो आपने इतना ही करना है, इस चीज़ को परफॉर्म करिए, जहाँ पे भी उसको लगता है कि मुझे डबल या ब्लर दिखाई दे रहा है हम उस पॉइंट को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कि सपोज़ आज यहाँ पे बच्चा बोलेगा कि मुझे ब्लर दिख रहा है, डबल दिख रहा है, हमने उसको ब्लिंक कराना है, ब्लिंक करने के बाद में हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि उससे आगे बढ़े और इसी पॉइंट को धीरे धीरे हमें कम करना है। जिन बच्चों का पॉइंट है कि आप बिल्कुल नोज़ के पास में ले जाकर उनको भी डबल नहीं दिख रहा है, उनके साथ ये परफॉर्म करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनकी मसल्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। सो बस आपको करना क्या है, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए और अपनी आइज़ को हेल्दी रखिए। तो गाइस इसी तरीके से बस एक्सरसाइज फॉलो कीजिए और बच्चों के पढ़ने के पोस्चर पर ध्यान दीजिए, स्पेशली पेरेंट्स, और जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनको तो खास करके ध्यान देना चाहिए कि जब भी उनको टाइम मिल रहा है अपने बच्चों को प्लीज़ ध्यान दीजिए किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। निकालिए टाइम, निकालिए, उनसे जितना ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं कनेक्ट हो जाइए। एंड टिल
अपनी आईज का और अपना ख्याल रखिए, ग्रीन वेजीज खाइए, हेल्दी रहिए. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में.